मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें और जो है अपनी पढ़ाई ईमानदारी पूर्वक करते रहें। फ्रेंड्स, हम लोग जो है पर्यायवाची का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देवी देवताओं से संबंधित जो भी थे उनका अध्ययन किया था, ठीक है। और तो आज हम उसी क्रम में जो है आगे बढ़ेंगे और जो जीव जंतु हैं जैसे शेर, कबूतर, ये सब जो पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो पर्यायवाची दिया है, इसमें जो नोट है, आप लोग उतना तो पढ़िए ही और कोशिश ये करिए किसी ऑथेंटिक बुक से आप लोग जो है इसमें और मिलता है तो और ऐड करिए, खुद से भी ऐड करिए, क्योंकि जो घूम फिर के यही सारे पर्यायवाची जो है परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। लेकिन जो है क्या है कि कभी जैसे इतना लिखा है सिंह का हमने नखा युक्त लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में से आ जाए, वो अलग भी पूछ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कम पढ़ें लेकिन उसको अच्छे से पढ़ लें तो अपना काम हो जाएगा। हमें 100 याद रहे लेकिन 100 में जितने उसके मैक्सिमम हैं उतना पता होना चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप लोग इसमें से तो पढ़िए, किसी ऑथेंटिक बुक से देखिए, उसमें अगर इससे अलग मिलता है, इससे ज़्यादा मिलता है तो उसको ज़रूर नोट डाउन करिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव जंतुओं से संबंधित। तो जीव जंतुओं उसी क्रम में हमारा पहला क्या है, पहला है सिंह। तो हम देखते हैं शेर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर नोट डाउन है उसको देखते हैं। उसको बोलते हैं पंचानन, नाहर, मृगार, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, केहरी और नखायु। ठीक, तो आप एक चीज़ यहाँ पे दिए ध्यान रखिएगा कि जो है इसको याद करते हैं। यहाँ पे है एक मृगरारी, मृग, मृग माने क्या होता है, हिरण, आरी माने होता है शत्रु, यानी हिरण का शत्रु, यानी हिरण को जो मार के खाता है कौन है, वो शेर है। फिर यहाँ पे है वनराज, वनराज कौन है, शेर ही है। केसरी और केहरी एक साथ याद करिएगा, दोनों एक दूसरे मिलते हैं। नखायुग, ठीक है, नखायुद्ध, जो नख से मतलब अपने नाखून से युद्ध करता है, कौन करता है, उसके पास बड़े बड़े नाखून होते हैं, उसी से तो अपने जो है शिकार को करता है, ठीक है। मृगेंद्र हो गया, नाहर हो गया, ठीक, वनराज तो ही गया। आए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मृगेंद्र जो है, मृगेंद्र किसका है, मृगेंद्र है सिंह का, लेकिन यहाँ पर आप लोग ऊपर देखिएगा, यहाँ पर मृगांक और जो है मृगधर, ये दोनों किसके हैं, ये दोनों हैं आपके चंद्रमा के। तो इसको ध्यान रखिएगा, मृगांक, मृगधर और मृगेंद्र में कन्फ्यूज नहीं होना है, नहीं तो हम लोग जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कबूतर का, कबूतर का है कपोत, कपोत जो है, कपोत मीन्स होता है कबूतर, ठीक है। तो कबूतर होता है रक्तलोचन, हारित, पारावत, ठीक। रक्तलोचन जो है, आप लोग कबूतर को भी ध्यान से देखिएगा ना, तो उसकी आंखें जो है क्या होती हैं, लाल होती हैं, ठीक है, हल्की सी लाल होती हैं, तो वहाँ से रक्तलोचन हम लोग जो है याद कर लेंगे, ठीक है। और कपोत, कपोत मीन्स कबूतर संस्कृत में होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे है तोता, तोता को बोलते हैं रक्ततुंड, तोता तो हम लोग देखे हैं, उसका जो उसको बोलते हैं क्या, जिस चोंच, चोंच उसकी क्या होती है, टुंड है, उसकी लाल होती है, सुक बोलते हैं, और गांव में तोता को सुग्गा बोलते हैं, तो सुग्गा से सुआ याद कर लेंगे हम लोग। कीर, कीर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, और डांडी, डांडिम प्री, ये हम दोनों अलग से याद कर लेंगे। तो रक्त टुंड, सुख, सुगा तो हमें वैसे भी याद हो गया, डांडिम प्रिय क्रिय ध्यान रख लेंगे। मैना देखते हैं, मैना का बहुत ही जो है चित्रलोचना कला प्रिया, ठीक है। और सारिका, सारिका जो है जिसकी जिस मित्र की सारिका फ्रेंड होगी तो उसको तो ऐसे याद हो जाएगा, कला प्रिया, ये जो है कला प्रिया होती है, ढगड़ा, तोता मैना, बड़ा तुतू मैमे सुने होंगे आप, तुतू मैमे, तो मैना मतलब वहीं से याद कर लेंगे, कला करती है। और चित्रलोचना, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हाँ, मछली आता, मछली, मछली का तो जल जीवन, सफरी, मीन और झस, तो मीन तो मछली का हम लोग जानते ही हैं, जल जीवन मतलब जीवन ही, जल जिसका जीवन है, सफरी, झस है, झक को, झस को अगर हम झक मा झक से याद करें
तो कहते नहीं का करत है, कहीं झक मारत है, ये गांव में कहते हैं का कुछ जो गुस्सा है उसाए रहते हैं, उनसे पूछ लो भैया क्या कर रहे हो, कहे झक मारत है, तो वो मरवा, तो झक को वही झस है उसी को मछली बोलते हैं, तो वहाँ से हम लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है सिंह, सिंह का हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सांप का, सांप का बोलते हैं, सांप का है भुजंग, ठीक है भुजंग, आई विषधर ब्याल फड़ी उरग और नाक। उरग ठीक है, उरग मतलब होता है क्या, जो पेट के बल चलते हैं उन्हें अड़ग उरग कहते हैं। फड़ी मतलब फन, ब्याल मतलब होता है फन, जिसके पास, किसके पास फन होता है, होता सांप के पास, ठीक है। विष, इसके पास होता विषधर हो गए, आई ठीक है, और भुजंग इसका है, ठीक है सांप का। तो आइए देखते हैं जीवन, जीव का है प्राणी, देहधारी और जीवधारी, इसमें तो कुछ है नहीं, इन सारे टर्म मतलब जो है प्रावाची से हम लोग परिचित हैं, तो इस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे। आगे देखते हैं, आगे है कौवा का, कौवा का देखिए, कौवा का जितना है एक साथ हमने लिखा है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। काग ठीक, देखिए कौवा क्या क्या बोलते हैं, काग भी बोलते हैं, काक भी बोलते हैं, काड़ भी बोलते हैं, तीनों एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, काग काक काड़, ठीक, वायस पिशुन और करट, ठीक, तो काग काक काड़ एक साथ और करट कर लेंगे और वायस और पिशुन देख लेंगे। कोयल का हम लोग देखते हैं, कोयल को कोकिला, श्यामा पिक ठीक है, और मदन सलाका, कोयल का इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, तो एक बार और आ गया, तो हमारा रिवीजन हो जा रहा है, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा है। जो मित्र उसको नहीं देखे हैं वो हमारा जो है प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पे दिया गया सारा वीडियो क्रम से देखें, और आपको जो है उस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि हम पढ़ते तो कई बार हैं लेकिन क्या होता है कि हमको याद नहीं होता, तो कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो हमारे दिमाग में इसमें रह जाती हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए। ऊंट का होता ऊंट ठीक है, गधा, गधे को हम लोग एक जो है बहुत अच्छे तरीके से याद करने वाले हैं, गधा ठीक है। गधा का क्या क्या है देखिए एक बार, गधा का है भाई साहब खर, धूसर, गर्धब, चक्रीवान, राशव, लंबकड़ और वैशाखनंद, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं गधा को, ठीक है आप लोग देखे होंगे गधे को कभी बाधा नहीं जाता रस्सी से, ठीक, तो रस्सी से जब बाधा नहीं है वहाँ से हम राशव रस्सी से क्रैक कर लेंगे, लेकिन बाधा नहीं जाता, वो इतना मूर्ख होता है कि वहीं अपने ही स्थान पे चक्कर लगाता रहता, कहीं जाता नहीं है, तो वहाँ से चक्रीवान हो जाएगा। गधा का गर्धा हमको पता ही है, और खर, और जब गधा भागता है कभी तो खरखर खरखर भागता है बहुत देरी से, तो खरखर से खर हो जाएगा, और जब भागता है तो धूसर मतलब धूल उड़ती है तो धूसर हो जाएगा, और जो है गधे के क्या होते हैं लंबे कड़ होते हैं। वैशाखनंदन, गधे को इसलिए वैशाखनंदन कहते हैं क्योंकि जो है जब बरसात आ जाता है मतलब वैशाख का महीना आ जाता है वैशाख में, तो उसका मजा हो जाता है, उसको कुछ काम नहीं करना होता, उसे वैशाख में मजा करता है, इसलिए वैशाखनंदन उसको कहते हैं। कस्तूरी, कस्तूरी एक प्रकार का क्या होता है, ये परफ्यूम होता है, परफ्यूम। कस्तूरी कुंडल बसे मृग, ढूंढ है बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नहीं। तो कहते हैं कस्तूरी मतलब जो इत्र होता है, इत्र की खोज, तो उसका क्या क्या है कस्तूरी का, कस्तूरी का मृग मद, मृग नाभि और मद लता, मतलब कस्तूरी इत्र से मद लता आती ना, मतलब मोहित हो जाते हैं लोग। मृग नाभि, मृग के नाभि में पाया जाता है मृग, इससे मद होती है, मतलब मृग उसको मदमस्त होकर ढूंढती रहती है, तो उसको याद रखें। गरुड़, गरुड़ का देखते हैं, गरुड़ क्या होता, गरुड़ को पक्षियों का क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो है पक्षियों में सबसे क्या है, श्रेष्ठ है, इसलिए उनको बोलते हैं। तो खगेश्वर, खग के ईश्वर मतलब पक्षियों के ईश्वर, खगेश पक्षियों में वो जो है खगेश सबसे ज़्यादा जो है सबसे ऊपर दर्जे के हैं उन्हें खगेश बोलते हैं। नागांतक, आप लोग जानते हैं कि वो क्या नाम है, गरुड़ जी जो है नाग का अंत कर देते हैं, मतलब सांप उनके सामने नहीं टिक सकते। वैंते ठीक है, वैंते को वाहन से याद करेंगे हम लोग, तो ये जो है वाहन का भी काम करते हैं, इस प्रकार हम इसको रिलेट कर लेंगे। आगे देखते हैं गाय का, गाय का जो है गाय को संस्कृत में क्या बोलते हैं, गाय को संस्कृत में बोलते हैं सुरभि, तो गाय का सुरभि हो गया, माता है, गाय माता होती हैं, कल्याण करती हैं, दूध पिलाती हैं,
और पैशुनी। पैशुनी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पैशुनी नदी का भी होता है और गाय का भी होता है। अब आता हाथी, हाथी हाथी नहीं है ये, हाथ है, हाथी का आगे आएगा, तो ये गलती से यहाँ पे जो है थोड़ा सा हो गया लिखते समय, तो आप लोग ध्यान रखिए हाथी नहीं ये हाथ है। हाथ को क्या क्या कहते हैं, कर, ठीक है, हस्त, पाड़ी, भुजा, बाऊ, भुजांग, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बंदर का भाई साहब का देखिए, बंदर, बंदर का देख लेते हैं हम लोग। बंदर को बोलते हैं मृग, मरकट, शाखा मृग और कीस। तो शाखा मृग जिस प्रकार हिरण वन में भटकती है, दौड़ती रहती है, उसी प्रकार जो शाखा मतलब वृक्षों पे ये बंदर घूम रहा रहता है। तो जो बंदर का जंगल का मृग है, मृग है, और वृक्ष शाखा का मृग बंदर है, इस प्रकार इसको याद कर लेंगे। कीस कहते नहीं बंदर जब कुछ उसको चिढ़ाओ ना, कीस निकालते हैं, कीस मतलब चिढ़ाते हैं, वहाँ से कीस हो जाएगा, और मरकट, ठीक। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्षी का देखते हैं, पक्षी का है आपका, पक्षी का है सुकुंत, निहंग, खग, बिहंग, पखेरु, द्विज और शकुनी, ठीक। तो सकुंत और शकुनी एक साथ, निहंग, खग, बिहंग, पखेरु। पखेरु को कैसे याद करेंगे, कहते नहीं जब आदमी मरता है तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, जैसे पक्षियों जैसे उड़ जाते हैं, ठीक है। हंस का देखते हैं, हंस का है मुक्त, मुक्त, मुक, मराल और सरस्वती वाहन, सरस्वती जी के वाहन कौन है, यही है हंस, मराल और मुक्त हो जाएगा। घोड़ा का, घोड़ा का हम लोग पढ़े थे, वाज है तुरंग, याद करिए पहला वीडियो, जो मित्र उसको नहीं देखे हैं जरूर देख लें, ठीक है। देखे वाज है तुरंग एक साथ हम बताए थे। घोड़ा क्या है, घोड़ा हमारी मदद करता है, इसलिए उसको वाह पुत्र बोलते हैं, जो मेहनत करता है। सैंधो में घोड़ा पाया जाता है, वो घोड़े को बछेड़ा भी बोलते हैं। मोर, मोर का, मोर को बोलते हैं नीलकंठ, सिखी, केकी और कलापी, ध्यान रखिएगा सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीलकंठ क्योंकि नीला उसका क्या होता, कंठ होता, सिखी, केकी और कलापी, ठीक है। अब देखते हैं हिरण का, हिरण का है हिरण, हरिण, मृग, कुरंग, सारंग, ठीक। देख रहे हैं मृग, कुरंग, सारंग, हरिण एक जैसे आ रहे हैं। अब हाथी का, अभी पिछला जो आया था अब हाथी का आ रहा है, वो हाथी का नहीं था, हाथ का था, तो हमने उसको देख लिया है। अब इसको देख लेते हैं, कस्ती, करी, कुंजर, एक साथ याद करिएगा, कस्ती, कर, कुंजर बोलेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, याद हो जाएगा। बिटुंड, मतंग, नाग, नाग सूंड उसकी क्या होती है, नाग जैसी होती है, इसलिए हाथी को नाग बोलते हैं। दीर्घ, हस्ती, सिंदूर, कुंभी और द्वीप इसके पर्यायवाची हैं। गीधड़ का है, गीधड़ का जाते हैं सियार बोलते हैं, रात में क्या होता है, गांव में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा सियार हुआते हैं, तो उसको वही गीधड़ होते हैं। जम्बुक, ठीक है, और श्रृंगाल, श्रृंगाल का हम लोग पढ़े हैं, श्रृंगाल मीन्स सियार होता है, अभी आगे तक संत दोम पढ़ेंगे इसको, तो वहाँ से याद कर लेंगे। मेढक, मेढक का तो बहुत ही आसान है, इसको देख लेते हैं। मेढक को बोलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कूप मंडूक, हम लोग उसमें भी पढ़े हैं, मुहावरे पढ़ते हैं कूप मंडूक होना, मंडूक वहाँ से हो जाएगा। बरसा प्रिय, बरसा इसको बहुत प्रिय होता है, बरसा टैं टैं करना शुरू कर देते हैं, मतलब खुश हो के, वो उनकी बोली है। भेक बोलते हैं, दादुर, दादुर बोलते हैं कि दादुर, हम लोग कई कविताओं पढ़े हैं दादुर बोले, ठीक है, दरदुर, दादुर एक साथ हो जाएगा, मंडूक हमको पता, बरसा प्रिय और भेंक, ठीक है, भेंक तो हो गया इस प्रकार। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, जो है इसके ऊपर अभी एक वीडियो प्रायवाची पे, एक अनेकार्थी शब्द पे आएगा, इसके बाद जो है जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कर लेंगे, इस प्रकार प्रायवाची हमारा ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करते रहिएगा। ठंड बहुत है, इस बात का ख्याल रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, नए जोश, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जो है आप लोग पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।